महाभारत और रामायण काल की 5 ऐसी स्त्रियां जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने जेठ या देवर का हाथ थामा था और उनसे विवाह किया था। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे समाज में देवर भाभी का रिश्ता माँ बेटे के रिश्ते जैसा माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में देवी सीता के बारे में बताया गया है कि वो अपने सभी देवरों का समान रूप से ख्याल रखती थी। देवर भी उन्हें माता के रूप में ही पूजते थे। लेकिन रामायण से लेकर महाभारत तक कई ऐसी कहानियां और किस्से मौजूद हैं जिनमें पति की मृत्यु के बाद देवर या जेठ द्वारा भाई की बीवी से विवाह करने की बात सामने आती है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं खास स्त्रियों के बारे में। सबसे पहला नाम है तारा, जो स्वयं बाली की बीवी थी। दरअसल तारा एक अप्सरा थी जिनका विवाह अपने समय के पराक्रमी बाली से हुआ था। ये एक विद्वान और राजनीति की समझ रखने वाली महिला थी। जब भगवान राम के बाणों से घायल बाली मृत्यु के करीब था, तब उसने अपनी पत्नी तारा से कहा था कि मेरे बाद तुम्हारा ऐश्वर्य खत्म ना हो जाए, इसीलिए तुम मेरे छोटे भाई सुग्रीव से विवाह कर लेना। पति की अंतिम आज्ञा मानकर तारा ने सुग्रीव से विवाह कर लिया था। अगली महिला है रावण की पत्नी मंदोदरी। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि रावण की मृत्यु के बाद जब विभीषण लंका के महाराज बने तो मंदोदरी ने उनसे विवाह कर लिया था। दरअसल मंदोदरी अप्सरा रंभा की पुत्री थी। ये भी तारा के समान ही एक प्रभावशाली महिला थी। रावण ने अंतिम समय में मंदोदरी को बताया कि वो जानता था कि राम के हाथों उसको मुक्ति मिल जाएगी। विभीषण धर्म के मार्ग पर है और उसे राजकाज संचालन में तुम्हारी जरूरत होगी, इसीलिए तुम विभीषण से विवाह कर लेना। और कहते हैं कि मंदोदरी का विवाह विभीषण से ही हुआ था। अगली महिला है भानुमती। कंबोज की राजकुमारी भानुमती से दुर्योधन ने बलपूर्वक विवाह किया था, लेकिन ये स्वयं कर्ण को पसंद करती थी। महाभारत युद्ध में जब दुर्योधन और कर्ण दोनों मारे गए तो भानुमती ने महाभारत के महायोद्धा यानी अर्जुन को अपना पति मान लिया था। इस तरह महाभारत युद्ध के बाद रिश्ते की एक नई कहानी लिखी गई थी। कई किंवदंतियां तो ये भी कहती हैं कि अर्जुन का विवाह भानुमती से नहीं हुआ था, लेकिन कई सारी किंवदंतियां ये भी कहती हैं कि भानुमती ने स्वयं अर्जुन से विवाह किया था। अगली दो महिलाएं हैं स्वयं अंबिका और अंबालिका। महाभारत में दो अन्य कन्याओं का जिक्र आता है, अंबिका और अंबालिका, जो कि स्वयं काशी की राजकुमारियां थी। इनका विवाह चित्रागत और विचित्र वीर से हुआ था। ये दोनों राजकुमार भीष्म के सौतेले भाई थे, लेकिन जल्द ही इनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद कुरु वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे, ऐसे में इन दोनों राजकुमारियों को नियोग प्रथा का सहारा लेना पड़ा। वेद व्यास, जो कि अंबिका और अंबालिका के जेठ थे, उन्होंने ही नियोग द्वारा धृतराष्ट्र और पांडु को जन्म दिया था। तो दोस्तों, यही थी वो 5 रामायण और महाभारत की महिलाएं जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद स्वयं अपने देवर और जेठ का हाथ थामा था। अगर इस सूची में हमसे कोई छूट गया हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।